हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एयरटेल की एक ऐसी पिन सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपकी इंटरनेट की दिक्कत सॉल्व हो सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद वाईफाई और इंटरनेट में जाना है, उसके बाद सिम नेटवर्क में चले जाना है, उसके बाद जिस सिम स्लॉट में आपका एयरटेल सिम इंसर्ट है उस सिम स्लॉट में एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। इसमें से जो लास्ट से थर्ड नंबर का जो एक्सेस पॉइंट नेम दिखाई दे रहा है ये देखिए, इस पर आपको चले जाना है और ये प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा, आपके सामने कुछ न्यू एपीएन आ जाएगी। न्यू एपीएन में आपको जो जो चेंजेस करने मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल तरीके से, वो वाली एपीएन सेटिंग करने के बाद आपकी इंटरनेट की दिक्कत हमेशा के लिए यानी परमानेंटली सॉल्व होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ नेम की जगह क्या करना है। नेम की जगह आपको क्या करना है, कैपिटल में एयरटेल इंटरनेट इस तरीके से टाइप करके ओके पे क्लिक करना है। एपीएन पे क्या करना है, स्मॉल लेटर में एयरटेल GPRS.com इस तरीके से कर लेना है, ओके पे क्लिक करना है। ये देखिए एयरटेल थोड़ा रॉन्ग हो चुका है इसलिए मैं आपको डबल करके बता देता हूँ। ये देखिए, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो आपकी इंटरनेट नहीं चल पाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ आपका इंटरनेट की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। आपको स्पेलिंग सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो पाए। बाद में कमेंट ना करें कि मेरे इंटरनेट नहीं चल रहा है आपकी एपीएन करने के बाद। मेरे एपीएन करने के बाद 101% इंटरनेट चलता है, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। देखिए उसके बाद पोर्ट पे क्या करना है, आपको 8080 कर देना है इस तरीके से। ये देखिए 8080 और ओके पे क्लिक करना है। सर्वर क्या करना है, आपको www स्मॉल लेटर होना बहुत ज़रूरी है सभी। ये देखिए google.com और ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आता है हमारा एपीएन टाइप डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर आपका डिफॉल्ट नहीं है तो डिफॉल्ट कर लीजिए। उसके बाद एपीएन प्रोटोकॉल IPv4 और IPv6 कर लेना है। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 इस तरीके से। और बैरियर वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसे अनस्पेसिफाइड से कैंसिल करना है। और आपके स्मार्टफोन में अगर इतने सारे नेटवर्क सेलेक्ट हो रहे हैं तो एज तक करिए, अगर ओनली वन एक ही नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है तो ओनली LTE करिए। आप ध्यान से सुने, अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं आप सुनने में हो या देखने में हो तो आपको पूरी एपीएन सेटिंग नहीं पता चल पाएगी और आपका इंटरनेट नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे नेटवर्क सेलेक्ट होते होंगे तो एज तक कर लीजिए, LTE से लेकर एज तक। अगर एक ही नेटवर्क सेलेक्ट हो रहा है तो ओनली LTE वाला करें और ओके पे क्लिक करें। तो ये बन चुकी है हमारी एक न्यू एपीएन। देख सकते हो कि हमने क्या क्या चेंजेस किए, हमने नेम चेंज किया है, एपीएन चेंज किया है, पोर्ट चेंज किया है, उसके बाद हमने सर्वर चेंज किया है। आप देख सकते होंगे जो जो चेंजेस किए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एपीएन प्रोटोकॉल चेंज किया है, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल चेंज किया है, उसके बाद बैरियर में कुछ नॉर्मली चेंजेस किए। ये बन चुकी है हमारी न्यू एपीएन, इसे सेव कर लेना है इस तरीके से। और ये देखिए ये वाली एपीएन सेकंड नंबर पर आ चुकी है हमारी। सेकंड नंबर पर आने के बाद इसे सेलेक्ट करें इस तरीके से। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एरोप्लेन मोड ऑन कर देना है इस तरीके से। ये देखिए एरोप्लेन मोड ऑन करने के बाद ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद आपका इंटरनेट चलने लग जाता है। आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी यूट्यूब में जाके मैं मेरा यूट्यूब चैनल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा स्लो चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। अगर एक बार आपकी एपीएन सेट हो जाती है तो आपको इंटरनेट की दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ा लोडिंग हो रहा है बट आपकी इंटरनेट की प्रॉब्लम 101% सॉल्व होने वाली है। ये देखिए मेरा यूट्यूब भी चल रहा है बट थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है। ये कुछ सेट होने के, ये देखिए अभी हमारा कितना फास्ट चलने लग गया है इंटरनेट। तो मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल का इंटरफेस दिखा देता हूँ। अगर इसे लोड होने में वक्त लग रहा है तो मैं आपको, ये देखिए मेरा YouTube चैनल का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आप देख सकते होंगे कितनी स्पीड से चल रहा है हमारा इंटरनेट। ये देखिए मतलब अभी हमें इंटरनेट की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप जैसे कि स्क्रीन पर देखते होंगे कि बहुत सारे प्रॉब्लम थी हमारी जो इंटरनेट की, इस एपीएन से सॉल्व हो सकती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो ताकि इसी तरीके की वीडियो आप हर रोज देख सको। साथ ही साथ जो जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे जल्दी जाइए और इस रेड कलर के बटन पर प्रेस करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।